हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, सुबह के 5 बज चुके हैं और डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना आता है एक इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं काफी सारे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आज के न्यूज़पेपर के होते हैं। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 14th of July, आधा जुलाई जो है वो निकलने वाला है। तो हाँ, आज के हम लोग महत्वपूर्ण सवाल है जो कि करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि डैश ने स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाने का निर्णय लिया है, तो तुरंत तुरंत दोस्तों बता दो मेरे को कि किसने जो है ना ये नया निर्णय लिया है कि वो इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर के ऊपर भी दोस्तों क्या बनाएंगे, एक नया मंत्रालय जो कि बनाएंगे। तो ये दोस्तों आसाम के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, थोड़ी तो अजीब बात है। एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जो कि बनाया जा रहा है प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर को लेकर। ठीक है गाइज, चलिए, और इसको कल्चर वाला जो पुराना वाला है उसके साथ में टैग नहीं किया जाएगा, अलग रखा जाएगा। ठीक है, आसाम की बात करें, जगदीश मुखी जी अभी गवर्नर है और हेमंता जी अभी सीएम बने। दिसपुर यहाँ पे राजधानी है, ये पूरा मैप देख सकते हैं। अरुणाचल, भूटान, नागालैंड, मणिपुर है ना, मिजोरम, मेघालय, इन सबसे कनेक्टेड है। और अगर लिटरेसी देखें तो 72% की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी के अलावा 126 विधानसभा, 14 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 33 जिले यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आसामी लैंग्वेज यहाँ पे फेमस है, कामाख्या टेम्पल बड़ा फेमस है, हैफलोंग लेक दोस्तों यहाँ पे बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसके अलावा बीहू डांस हो गया, भोरतल हो गया, झूमर हो गया, नेशनल पार्क में दिब्रू, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, ये सारे महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पॉपुलेशन भी दोस्तों काफी अच्छी खासी है, 3 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। 1950 के अंदर राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। इसके अलावा अगर आप इंडिया में दोस्तों 30+ एग्जाम में से किसी की भी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस के माध्यम से कर सकते हैं। रेफरल कोड लगाना पड़ेगा प्लस लेते वक्त BHU10 या फिर BHU10, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम जैसे कि UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, कोई आपका गेट का एग्जाम है, कोई IIT का है, कोई नीट का एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में आप इसको यूज कर सकते हैं। GK पढ़नी है तो फाउंडेशन बैच चल रहा है, SSC का भी 2-3 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी नहीं हो पाई। तो GK का फाउंडेशन बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं SSC के अंदर, जहाँ पे मैं GK पढ़ा रहा हूँ। SSC का सब्सक्रिप्शन 1 साल का लेने पे 4 मंथ का आपको फ्री मिलता है। ऐप डाउनलोड करिए और मोबाइल नंबर डाल के गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए। यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले जो भी 30+ एग्जाम में से गोल सेलेक्ट करिए, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, फिर 12 या 24 महीने पे जाके नीचे की तरफ आपको BHU10 है जो कि लगाना है। चलिए आज का पहला सवाल, केंद्र में कैबिनेट विस्तार के बाद नई कैबिनेट समितियों का गठन किया गया है, आवास पर कैबिनेट समिति डैश की अध्यक्षता में कार्य करेगी। कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन विल फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा, अमित शाह। तो हमारे मोटा भाई के दोस्तों अंदर चेयरमैनशिप के अंदर जो है कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन काम करने वाली है। ठीक है, इसको मोदी जी जो है वो हेड करने वाले है ना, ये भी आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी जो है वो तो किसके अंडर में काम करती है, प्रधानमंत्री के, और अकोमोडेशन जो करेगी वो करेगी हमारे मोटा भाई के। ठीक है गाइस, इकोनॉमिक अफेयर की बात करें तो ये भी प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। ठीक है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर किस मध्य एशिया देशों की 2 दिवसीय यात्रा पर है, 2 दिवसीय यात्रा पे अभी दोस्तों हमारे जो है विदेश मंत्री गए हुए थे, तजाकिस्तान की यात्रा पे जा रहे हैं, इससे पहले जॉर्जिया और ये सब देश भी अभी ये गए हुए थे। तो कुल मिला के पूरा एरिया है सेंट्रल एशिया का जो कि ये कवर करके थोड़ा सा अच्छे रिलेशन है जो कि हम लोग सेटअप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 2 दिन की यात्रा के ऊपर गए हुए हैं, वहाँ पे SCO की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। तजाकिस्तान की प्रेसिडेंट है एमोमिल और कैपिटल है दुश्नैब, करेंसी यहाँ पे सोमोनी। ठीक है, आप देख सकते हैं यह है तजाकिस्तान, कैपिटल बताई दी दुश्नैब, तजिक यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। ऑल राइट, डैश ने व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए खुदरा प्रत्यक्ष सुविधा है जो की शुरू करी है। डैश ने व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए
खुदरा प्रत्यक्ष सुविधा है जो कि शुरू करी है। तो किसके द्वारा की गई है ये शुरुआत? ये आरबीआई के द्वारा दोस्तों करी गई है। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एक रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी, ओके, ताकि गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर है ना, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के द्वारा भी किया जा सके। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटीज को नाम दिया गया है। वन स्टॉप सोल्यूशन बताया जा रहा है इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के द्वारा। ठीक है गाइज, चलिए 35 में आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। शक्तिकांत दास अभी गवर्नर है, मुंबई हेडक्वार्टर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक छोटे और मध्यम किसानों को कितनी राशि सीधे हस्तांतरित करी जाएगी? तो कितना पैसा है जो कि 11 करोड़ स्मॉल और मीडियम फार्मर के अकाउंट में डाला जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1,35,000 करोड़ रुपए है जो कि ट्रांसफर किया जाएगा। 11,000 दोस्तों अपने किसान भाइयों के अकाउंट के अंदर। ठीक है गाइज, तो ये बात है जो कि यहाँ पे बताई गई है। और ठीक है, आप देखोगे नाबार्ड की शुरुआत 1982 के अंदर हुई है। अर्ज कुमार अभी चेयरपर्सन है, मुंबई हेडक्वार्टर है। चलिए ठीक है, ऑल राइट ठीक है। नाबार्ड के द्वारा ये पैसा है जो कि डिस्पर्स किया जाएगा काफी सारा। एपीईडीए ने किसान सहकारी समिति और किसान उत्पादक संगठनों के निर्यात लीकेज को मजबूत करने के लिए डैश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो एपीईडीए एक्चुअली के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने को एक एसोसिएशन है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर काम करती है। तो एनएएफईडी के साथ में इन्होंने करार किया है ताकि एफएओ को, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। ये देखिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है इसका पूरा नाम ठीक है, इसको अपन एएफईडीए है जो कि कहते हैं। इन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में एमओयू है जो कि किया है। ठीक है गाइस, एपीईडीए की बात करें 86 में फॉर्मेशन हुआ, और एनएएफईडी की बात करें तो ब्रिजेंद्र सिंह जी के अभी चेयरपर्सन है, 58 में इसका फॉर्मेशन हुआ। वर्तमान खेल मंत्री का नाम बताइए। खेल मंत्री आपको मालूम ही है दोस्तों, पहले किरेन रिजिजू थे, अभी अनुराग ठाकुर को बना दिया गया है। ठीक है, तो आप बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जो कि ये बन चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने अभी मीटिंग का जायजा लिया टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। चलिए, भारत ने 697 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? इंडिया ने एमओयू साइन किया है दोस्तों 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये नेपाल के साथ में हमने करार है जो कि किया है, एमओयू साइन किया है। हम लोग काफी मदद करते हैं आसपास के कंट्रियों के वहाँ पे एनर्जी डेवलपमेंट को लेकर, तो हम लोग नेपाल की भी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे बिना देवी भंडारी यहाँ पे नेपाल में प्रेसेंट है, शेर बहादुर यहाँ पे पीएम बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, काठमांडू कैपिटल है, करेंसी रूपी चलती है। ठीक है, 1955 में यूएन को इसने ज्वाइन किया था है ना, और 1919 में सती प्रथा को यहाँ पे बैन कर दिया गया, और 1768 के अंदर यहाँ पे गोरखा रूलर थे पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने ऑक्यूपाई किया काठमांडू को और फाउंडेशन रखी यूनाइटेड किंगडम के लिए। ठीक है, नेपाल सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है वाटर का, बिकॉज यहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज्यादा है ना, रिलीजियस और एथनिक राइट की वजह से आज तक यहाँ पे एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी दोस्तों नहीं बहा है, बहुत बड़ी बात है। भारत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली डैश भारतीय मूल की महिला है। तो देखिए कल्पना चावला हो गई, सुनीता विलियम्स हो गई, और उसके बाद में कौन है, सिरसा। तो थर्ड आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो थर्ड भारतीय वुमेन है जो कि बन चुके हैं। राकेश शर्मा एकमात्र भारतीय सिटीजन है, अभी रिचर्ड ब्रेंसन के साथ में और चार लोगों के साथ में वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप यूनिटी 22 के तहत उन्होंने अपनी जर्नी है जो कि कंप्लीट करी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तक कर्नाटक में संपूर्ण रूप से लागू की जाएगी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 1930 तक के लिए इसको लागू करने के लिए बोला गया है। ओके, चलिए कर्नाटक की बात करें, थावरचंद गहलोत जी यहाँ पे गवर्नर बने रिसेंटली, येदियुरप्पा सीएम है। अगर आप देखोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करी जा रही है 2030 तक। ठीक है, हायर एजुकेशन को भी 50% बढ़ाया जाएगा 2035 तक। अभी तो बहुत कम बच्चे 12th पास करके आगे बढ़ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इंडिया में प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो 5334 ये जो नया
करिकुलम है, 12 साल की स्कूलिंग होगी, 3 साल का प्री स्कूलिंग है जो कि कराई जाएगी। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने डैश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान निमित्त में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो इसको गांधीनगर में दोस्तों इनोग्रेट किया गया, वहां पर है जो कि इसको बनाया गया है। आचार्य जी गवर्नर है, विजय जी सीएम है, गांधीनगर कैपिटल है। यशपाल शर्मा जिनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? यशपाल शर्मा की बात करें तो दोस्तों ये क्रिकेटर हुआ करते थे, फास्ट बॉलर हुआ करते थे, फॉर्मर क्रिकेटर थे। इनकी अभी रिसेंटली कार्डियक अरेस्ट की वजह से मृत्यु हो गई। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, सॉरी 70 और 80 के दशक में बैटिंग किया करते थे। 83 के वर्ल्ड कप विनर की पार्ट भी थे। 37 टेस्ट, 42 ODI है जो कि इन्होंने खेले हैं, और क्राइसिस मैन फॉर इंडिया का नाम है जो कि इनको दिया था, ओके, सुनील गावस्कर के द्वारा, क्योंकि 5-6 साल जब ये खेले तब इन्होंने काफी मैच बचाने को लेकर हेल्प करी है। वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय की डिजिटल शिक्षा पहल की समीक्षा करी है। तो शिक्षा मंत्री की बात करें गाइस तो अभी कौन बनाए गए हैं यहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान को दोस्तों बना दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है जो कि हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का। डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव है जो कि इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। ई विद्या, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, स्वयं, ये सारे के सारे कुछ इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च करे गए हैं। ठीक है गाइस, कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से पहले किस राज्य की सरकार उद्योगों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स है जो कि बनाएगी? आंसर दीजिए जस्ट ए सेकंड गाइस। चलिए जल्दी से आंसर करिए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है गाइस, तो महाराष्ट्र के द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो कि बनाई गई है थर्ड वेव से दोस्तों इंडस्ट्रीज को बचाने को लेकर, ताकि कोई प्रॉब्लम है जो कि आने वाले टाइम पे नहीं आए। तो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के द्वारा दोस्तों अटेम्प्ट जो कि किया गया है, काफी अच्छी बात है। हम लोग सेकेंड वेव को नहीं बचा पाए, लेकिन थर्ड वेव से जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अच्छी तरीके से इसको टैकल करें। गवर्नर भगत सिंह जी है, मुंबई कैपिटल है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, महाराष्ट्र पूरा का पूरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ है ना, ये सारे इससे एसोसिएटेड है। और 82% लिटरेसी है, 929 यहाँ पे सेक्स रेशियो, 289 विधानसभा, 48 लोकसभा, 19 राज्यसभा की सीटें, मराठी लैंग्वेज है यहाँ पे, 11-12 करोड़ की पॉपुलेशन है अच्छी खासी, मुंबई है ही सबसे बड़ी कैपिटल, 1960 में फॉर्मेशन हुआ गुजरात और साथ में महाराष्ट्र का। टेम्पल की बात करें आपके शिरडी साई बाबा हो गया, सिद्धि विनायक हो गया, लोनार लेक फेमस है यहाँ पे, मेहरून है ना, सलीम अली है, शिव सागर है, ये सारी लेक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बांध की बात करें कोयना डैम, जायकवाड़ी डैम, ईसापुर हो गया, वरना डैम, ये सारे महत्वपूर्ण है। स्टेडियम तो शहर आपके वानखेड़े हो गया, ब्रेबोर्न स्टेडियम हो गया है ना, और कालिदास फेस्टिवल, गुड़ी पड़वा ये फेमस है, थर्मल आपके तारापुर और जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। अगर आपको अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU 10, मतलब BHU के फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, तो BHU 10 या बुरेस्टन डाल के आप 10% ऑफ पा सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, PDF, VDF, टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, आपको यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है 30+ एग्जाम में से, SSC हो, UPSC है, मान लीजिए कोई गेट का एग्जाम है, कोई IIT है, कोई नीट है, कोई कैट का एग्जाम है, कोई CDS का है, कोई भी आपका एग्जाम हो 30+ में से यहाँ गोल सेलेक्ट करिए, प्लस में जाइए गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने, और नीचे आपको यहाँ पे BHU 10 है जो कि लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन का डे देख लेते हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जो खबरों में किस राज्य के नव निर्मित राज्यपाल है? सत्यदेव नारायण आर्य के बारे में आपको बताना है। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइज, मिलते हैं वापस 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।